हेलो देयर एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में ना मैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, विच इज गोइंग टू बी द एलेटीन सीसी क्रीम। एलेटीन ने अपने बहुत सारे बीच में न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स निकाले थे, मैंने इसको बहुत टाइम पहले परचेज करा था बट मैं इसका रिव्यू बार बार करना भूल जाती थी। तो आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और इसको ट्राई भी करने वाले हैं कि एक्चुअली में वर्क करती है या फिर नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, मैंने इसको परचेज करा था फ्रॉम नायका। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आई गेस अवेलेबल नहीं है। या तो एलेटीन की एक्चुअल वेबसाइट से आप ले लो इसको, या फिर आप नायका से ले सकते हो। दिस इज द एलेटीन गेट इवन सीसी क्रीम। इट्स अ सीसी क्रीम बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं बैक पे देखू ना, 18 ग्राम्स की आपको क्वांटिटी मिलती है। इट सेज दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन 23 एंड आप इसको यूज कर सकते 26 सेकंड। आई फील लाइक एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए 3 साल इज लाइक ओके, बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप 3 साल तक इसको यूज कर सकते हो। एंड बाकी कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ इस तरीके की सिंपल सी पैकेजिंग में आपको रिसीव होती है एंड व्हेन यू ओपन इट अप दिस इज हाउ यू रिसीव योर प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। एक चीज जो मुझे इसमें लगी, इसमें कोई शेड रेंज नहीं है। दिस इज द सिंगल शेड यू आर गेटिंग। लाइक इसमें भी कोई शेड नेम मेंशन नहीं कर रखा कि किस तरीके का शेड है, किस स्किन टोन को ये सूट करेगा, किस लाइक कौन सी अंडरटोन का, कुछ ऐसे मेंशन नहीं करेगा। दिस जस्ट दिस सिंगल शेड। तो जिसको लेना है वो अपने रिस्क पे ले, बंदा की पता नहीं है सूट करेगा अभी या फिर नहीं करेगा। कम्स विद दिस वेरी क्यूट पर्पली कैप, ठीक है। एंड व्हेन यू ओपन इट अप इसमें नोजल मिल जाता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। ये मेस फ्री होने वाली है, बिल्कुल कोई अटर पटर यू नो कचरा पचरा नहीं होने वाला है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 92 रुपीज है, आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पर दिख चुका होगा। प्राइस वाइज अगर देखा जाए ना, एलेटीन का प्रोडक्ट अंडर 100 रुपीज इज गुड। लाइक एलेटीन के मोस्टली प्रोडक्ट 100 रुपीज के अंदर या नेड़े तेड़े ही होते हैं। तो अगर आपको एक सीसी क्रीम 100 के अंडर मिल रही है तो आई फील लाइक दैट्स अ गुड डील। बट द शेड रेंज इज द ओनली थिंग, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ दिस प्रोडक्ट looks like when you take this out ना, थोड़ा सा मैं ज्यादा लेती हूँ। मैंने जब इसको बाहर निकाला, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम जैसी हल्की हल्की लग रही थी। लेट्स जस्ट ट्राई ब्लेंडिंग दिस आउट। ओके, द कंसिस्टेंसी इज वेरी थिक। थिक मैं ऐसे बोल रही हूँ, नॉर्मली जिस तरीके की पॉन्ड्स की बीबी क्रीम की कंसिस्टेंसी है ना, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही फील हो रही है। शेड की अगर बात करूँ ना, ये सिर्फ फेयर स्किन टोन को सूट करने वाला है। ज्यादा ज्यादा वीटिश मीडियम तक को भी ये बहुत ही ज्यादा ग्रेनेस या ग्रे लुक दे देगा फेस के ऊपर। आप देख सकते हो इसका वार्म अंडरटोन है, बहुत ही ज्यादा येलोइश है। ऑल्दो आई डू नॉट हैव अ वार्म अंडरटोन, मेरा न्यूट्रल है। कूल भी नहीं है, वार्म भी नहीं है, न्यूट्रल सा अंडरटोन है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा येलो रहने वाला है, लाइक आप खुद देख सकते हो। बट अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ ना, कंसिस्टेंसी मुझे अच्छी लग रही है, थिक कंसिस्टेंसी है। ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो रही है और पिगमेंटेशन और कवरेज की बात करें ना, वो भी मुझे बहुत हद तक इसकी अच्छी लग रही है। ना प्रोडक्ट की बातें हो गई, अपने इसको फेस पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। आई एम ओनली गोइंग टू अप्लाई इट ऑन हाफ साइड ऑफ माई फेस, सो दैट आपको एक क्लियर डिफरेंस दिख पाएगा कि ये एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं स्क्रीन के थोड़ा सा क्लोज आ गई हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से देख पाए। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन दिस राइट साइड ऑफ माई फेस, सो दैट आप लोगों को पता लग पाए कि राइट और साइड में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे ना कुछ कुछ पिंपल मार्क्स हैं, जैसे यहाँ यहाँ पे है, इस साइड पे ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस साइड पे अप्लाई करके देख रही हूँ। सो दैट हमें एक आइडिया लग पाए कि पिंपल मार्क्स को भी कितना हाइड करता है और कितना नहीं। आई फील लाइक इतनी बहुत है बिकॉज आप बीबी क्रीम और सीसी क्रीम बहुत ज्यादा नहीं लगाते हो। सीसी क्रीम के कंपैरिजन में ना मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक दिखी, बिकॉज सीसी क्रीम्स में इतनी थिक कंसिस्टेंसी नहीं यूजुअली आपको प्रोवाइड करके देते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ बिगनर्स एंड पीपल जो न्यूली मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास मेकअप ब्रशेज और ये सब चीजें नहीं होते, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स। ओके, इट्स ब्लेंडिंग आउट रियली रियली नाइसली। मैंने अच्छे से प्राइमर लगा लिया था अपने फेस पे ऑलरेडी, उसके बाद ही मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ये ब्लेंड अच्छी खासी हो रही है, बट जितनी पिगमेंटेशन मुझे इसकी अपने हैंड्स पर दिख रही थी ना, उतनी मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रही है। बिकॉज हैंड्स पे अप्लाई करने के बाद ये लिटरली ऐसे लग रहे थे कि बहुत अच्छी खासी पिगमेंटेशन और बहुत जल्दी नो। If you can take a look at that, it's creating very bad patches. बहुत patchy हो गई है। No. ये blend नहीं हो रही है guys अच्छे से बिल्कुल भी। I am trying to make this work. मैंने बहुत अच्छे से अपना face hydrate कर लिया था
एंड यू कैन टेक अ लुक एट दैट। ओके, सो इस हाफ फेस पे आप देख सकते हो मैंने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर रखी है। आपको लग रहा होगा दैट दिस इज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी वेरी क्लोज अप। यू कैन टेक अ लुक एट ऑल दैट, कितना पैची लग रहा है लाइक नोज के अराउंड, देन जहाँ पे आपको बेसिकली यू नो हल्के बहुत पीच फज होता है इस एरिया पे, देन इवन ऑन माई फोरहेड। मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर रखा था, बहुत ही एक अमेजिंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा रखा था ताकि स्मूथ एप्लीकेशन लगे, बट स्टिल ये इतना ज्यादा पैची और इतना ज्यादा गंदा लग रहा है ना लाइक नोज के राउंड, तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। मतलब वैसे हैंड पे देखने में पिगमेंटेशन बहुत अच्छी लग रही थी, बट नॉर्मली अगर मैं वैसे दूर से देखूँ ना तो पिगमेंटेशन इज ओके, एक सीसी क्रीम के अकॉर्डिंग इसकी पिगमेंटेशन ठीक है, मेरी नेक वगैरह से स्किन कलर से हल्का बहुत मैच कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट ब्लेंडिंग आउट एट ऑल। ये ब्लेंडर से तो बिल्कुल ब्लेंड नहीं होने वाली है 110%, और ब्रश से ये और भी ज्यादा पैची हो जाने वाली है, बिकॉज फिंगर्स में ना एक हल्की सी वॉर्म्थ होती है, जब आप फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट करते हो ना तो आपका प्रोडक्ट हल्का हल्का यू नो वार्म अप होकर और अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, बट क्योंकि फिंगर से ही नहीं ब्लेंड आउट हो रहा बहुत अच्छे से, तो ब्रश और ब्लेंडर से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने काम करती हूँ हल्का सा टचअप करके आपको एक ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या पता मेकअप करने के बाद अच्छा लगे, लेट मी जस्ट डू अ क्विक टचअप एंड शो यू कि उसके बाद भी कैसा लगने वाला है। सो मैंने ब्लश, हल्की सी लिपस्टिक, ब्राउज वगैरह करने का ट्राई किया, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी 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 बैड। नोज के अराउंड बहुत पैची हो रहा है, बिल्कुल वहां पे ब्लेंड आउट नहीं हो रहा, बहुत ही वियर्ड और अजीब सा लुक आ रहा है। लाइक प्राइस वाइज अगर देखा जाए ना, इट हैज अ वेरी डिसेंट प्राइस, लाइक 92 rupees फॉर अ सीसी क्रीम इज सो गुड, बट इतने प्राइस में आपको लैक्मे की छोटी वाली सीसी क्रीम मिल जाती है, 100-110 के अराउंड आपको मिल जाता है बहुत इजीली। तो आई फील लाइक आप 20-30 rupees और स्पेंड करके अगर आप एक अच्छे चीज पे यू नो इन्वेस्ट करो तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप सिर्फ प्राइस को देखने वाले हो ना, दिस इज वेरी वियर्ड। ड्राई स्किन के लिए तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, फर्स्ट अप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पैची होने वाला है। आई हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप, स्टिल इतना हाइड्रेशन करने के बाद भी स्किन के ऊपर ये बिल्कुल ब्लेंड आउट नहीं हुई, और ऑयली पे तो ये वैसे ही नहीं टिकने वाली, बिकॉज ऑयली स्किन पे इतना सीबम प्रोडक्शन होता है उन पे, तो ये बिल्कुल ही ऐसी वियर्ड सी फैल सी जाएगी और बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड आउट नहीं होने वाली। इट हैज दिस वेरी वियर्ड टेक्सचर, एट द सेम टाइम आई फील लाइक शेड इज नॉट अप्रोप्रिएट। लाइक अगर आपका बहुत फेयर स्किन टोन भी है तो ये आपके ऊपर बहुत येलो लगने वाला है, और हो सकता है कि डार्क भी लगे। आई फील लाइक ये वीटिश स्किन टोन के लिए ठीक है, मतलब अगर आपका फेयर टू वीटिश या फिर वीटिश स्किन टोन है, एंड दैट टू अगर आपका येलो अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, तो ही आपका शेड जाएगा। अगर आप एक कूल अंडरटोन के पर्सन हो, आपको ये बिल्कुल सही नहीं लगने वाला, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू मैच योर स्किन कलर एट ऑल। आपकी नेक आपके हैंड से बिल्कुल मैच नहीं होगा, ये कम्प्लीटली वार्म अंडरटोन का है, तो आई फील लाइक इट्स नॉट दैट ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड इट एट ऑल। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अगेन आई फील लाइक लिंक मैं दू ना दू एक ही बराबर है, बट स्टिल मैं दे दूंगी लिंक इन केस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, आप इसके रिव्यूज वगैरह पढ़ना चाहो। मैंने भी रिव्यूज पढ़ के लिया था, रिव्यूज अच्छे थे, बट मुझे इसका रिजल्ट पर्सनली इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। तो ये थी आज की रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मंडे टू फ्राइडे डेली 9 AM इन द मॉर्निंग अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आपने नोटिफिकेशन बटन को अभी तक हिट नहीं किया है तो उसको हिट कर देना, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइस आर द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। एंड यार दैट इज इट, आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।